सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यामा की तरफ से एक इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलने वाले है, जहाँ तो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने को मिलने वाले हैं। बट सबसे पहले यहाँ पर यामा ने कहा है कि हम यहाँ पर जो है यामा का FZ इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया में लॉन्च करने वाले है। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले, क्या क्या अपडेट्स निकल के आए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद और वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूले। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में, जो अपडेट आए हैं यामा की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट निकल के आए हैं, FZ इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पर जो यामा की तरफ से ऑफिशियल मिलने वाली है, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद आपको यहाँ पर जो इंडिया में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा यामा की तरफ से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने को मिलने वाली थी, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बताया था कि यामा की इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आने वाली है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो यामा की इलेक्ट्रिक बाइक जो FZ इलेक्ट्रिक बाइक जो आपको देखने को मिलने वाली है, वो जो दोस्तों आपको बहुत ही लाइट वेट देखने को मिलने वाली है, एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देखने को मिलने वाला है। इसका लुक ज़रा थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे कि इसका सीट वगैरह जो इसका चेंज हो सकता है, बट यहाँ पर कंपनी ने कंफर्म नहीं किया कि इसका सीट चेंज होने वाला है। बट इंडिया में हमारे इसका सीट वगैरह चेंज होने के बाद ही यहाँ पर जो चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह यहाँ पर जो है फेल हो जाती है, अगर इसमें जो वन सीटर इलेक्ट्रिक बाइक होती है तो। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यह इलेक्ट्रिक बाइक जो है बहुत ही लाइट वेट होने वाली है। उसके बाद आपको रिमूवेबल बैटरी पैक मिलने वाला है, फास्ट चार्जिंग वाला सपोर्ट भी आपको इस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलने वाला है। तो उसके बाद आपको स्पीड की बात करूँ तो कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्पीड वगैरह मेंशन नहीं किया है फिक्स, बट कंपनी ने कहा है कि 100 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर तक का टॉप स्पीड इस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलने वाला है। एंड फीचर्स की बात करें तो यामा की FZ इलेक्ट्रिक बाइक में आपको फीचर्स जैसे कि स्वैप बैटरी पैक, रिमूवेबल बैटरी पैक मिलने वाला है, डुअल टोन अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलने वाले, LED लाइट्स वगैरह देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों इस इलेक्ट्रिक बाइक में मोटर एंड बैटरी जो है काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाली इसमें बैटरी एंड मोटर यूज़ की गई है, जो कि आप यहाँ पर इसको जो है बहुत बड़े बड़े पॉपुलर कंपनी से आप जो इसको। तो उसके बाद आपको इस यामाहा की इलेक्ट्रिक बाइक में आपको डिस्क ब्रेक वगैरह आपको मिलने वाले है। एंड दोस्तों ये पूरी तरह से कम्फर्टेबल भी इलेक्ट्रिक बाइक होने वाली है। एंड यहाँ पर रेंज की बात करें तो इस यामाहा FZ इलेक्ट्रिक बाइक की रेंज की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर जो है पूरी तरह से कम्प्लीटली टेस्ट वगैरह लेने के बाद यहाँ पर जो है के बारे में बताने वाली है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है फीचर्स एंड कुछ यहाँ पर जो अपडेट में इन्होंने रेंज के बारे में कुछ यहाँ पर जो मेंशन नहीं किया है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो ओरिजिनल यामा की शोरूम में आपको यहाँ पर जो यह इलेक्ट्रिक बाइक देखने को मिलने वाली है। जल्दी आपको यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने को मिलने वाली है, बट यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट वगैरह इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में नहीं आई है। बट इन्होंने कहा है कि हम दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है यामा के जल्दी इंडिया में हमारे यहाँ पर जो है लॉन्च करने वाले है। एंड दोस्तों इंडिया में आपको यहाँ पर जो है लॉकडाउन के बाद काफ़ी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों हम यहाँ पर बात करें मेन पॉइंट के बारे में, जो कि आप सभी के लिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वारंटी के मामले में। एंड दोस्तों वीडियो आपने यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, एंड कमेंट करना यह इलेक्ट्रिक बाइक कैसी लगी। तो वारंटी की बात करें दोस्तों, तो वारंटी आपको यहाँ पर जो है यामा की या FZ इलेक्ट्रिक बाइक में वारंटी देखने को मिलने वाली, जो कि नॉर्मली आपको सभी को पता हो जो कि पॉपुलर कंपनी है, जैसे कि बजाज हो गया, TVS हो गया, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह प्रोवाइड करने वाले, वैसे आपको वारंटी इस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलने वाली है। उससे भी आपको बेटर इसमें आपको वारंटी देखने को मिल सके। ऐसा यहाँ पर जो ऑफिशियल यामा की तरफ से कहना है कि आपको यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी वारंटी सर्विस वगैरह देखने को मिलने वाली है। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर और भी कई सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की न्यूज़ एंड अपडेट्स, रिव्यू वगैरह जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपडेट वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की यामा की FZ इलेक्ट्रिक बाइक की न्यूज़ एंड अपडेट्स कुछ आए थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के दोस्तों, गो ग्रीन गो इलेक्ट्रिक।